हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेशनल नॉलेज हट। राजस्थान सरकार जयपुर की तरफ से सफाई कर्मचारी पोस्ट के लिए सीधी भर्ती के लिए यहाँ पे नोटिफिकेशन आया। जितने भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स इस फॉर्म को फिल करना चाहते हैं, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि इस वीडियो से रिलेटेड, इस फॉर्म से रिलेटेड जो भी आपके डाउट्स हो क्लियर हो सके और आप अपने फॉर्म को सही से फॉर्म फिल करके सबमिट कर सके। ऐसी और भी जानकारी के लिए आप चैनल में विजिट कर सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब के नाम से वहाँ पे प्लेस अवेलेबल है। अपने क्वालिफिकेशन के हिसाब से वहाँ पे वेरियस फॉर्म्स को हमने वीडियो बना के अपलोड किए हैं, आप उन सभी फॉर्म्स को फिल कर सकते हो। अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करें तो चैनल पे एनसीईआरटी बुक्स से भी चैप्टर अपलोड कर दिए हैं, आप अपने बेस स्ट्रॉन्ग करने के लिए उन चैप्टर्स को भी रेफर कर सकते हैं। देरी न करते हैं, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तब तक के लिए आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, उसे ऑल पे सेट कर दें ताकि आगे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिल पाए। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, देखते हैं इसमें एलिजिबिलिटी और क्वालिफिकेशन क्या मांगी है, कौन कौन यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हैं और किस मोड में फॉर्म फिल होगा। टोटल वैकेंसी जो है वो 23,820 है, मतलब 23,820 वैकेंसी आई यहाँ पे। ऑनलाइन आपको ये फॉर्म फिल करना होगा 7 अक्टूबर 2024 से लेके 6 नवंबर 2024 तक फॉर्म फिल किए जाएंगे। करेक्शन के लिए जो विंडो ओपन रहेगी वो 11 नवंबर से 25 नवंबर तक ओपन रहेगी। ऑनलाइन आपको फिल करना होगा, वेबसाइट होगी sso.rajasthan.gov.in। OTR के थ्रू आप रजिस्टर करेंगे। आपने जो अपने OTR में प्रोफाइल बनाई है, जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे सबमिट करे उसी के हिसाब से आपको यहाँ पे आगे फर्दर फॉर्म फिल करना होगा। राज्य के 125 नगरीय निकायों में यहाँ पे विज्ञापन आया है, तो यहाँ पे सारी लिस्ट आपको मेंशन हो जाएगी सभी सेंटर्स की और सभी जहाँ जहाँ पे वैकेंसी आई है। फॉर्म को फिल करने की जो फी है वो जितने भी अनारक्षित और जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 600 रुपए, आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 400 रुपए और जो दिव्यांग है उनके लिए 400 रुपए फॉर्म की फी होगी। लिस्ट यहाँ पे मेंशन है कि कौन सी जगह पे कितनी पोस्ट आई है, कौन से नगर में यहाँ पे कितनी पोस्ट है। जैसे जयपुर ग्रेटर में 3370, जयपुर हेरिटेज में 707, चौमू में 171, सांभर में 59, तो इस तरह से ये यहाँ पे हर जगह की मेंशन है। सभी जगह की लिस्ट यहाँ पे वैकेंसी के हिसाब से मेंशन है। जितने भी अनुसूचित क्षेत्र से यहाँ पे कैंडिडेट्स फॉर्म फिल करना चाहते हैं उन सभी के लिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि जितने अनुसूचित क्षेत्र से फॉर्म फिल करना चाहते हैं कैंडिडेट्स, वो सिर्फ राजस्थान से यहाँ पे बिलोंग करते हो और किसी स्टेट के अनुसूचित क्षेत्र के लोग यहाँ पे फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं। फीमेल्स के यहाँ पे 30% सीट्स को रिजर्व किया गया है। जितने भी यहाँ पे कैंडिडेट्स रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं सभी को यहाँ पे रिजर्वेशन दिया जाएगा और अदर देन राजस्थान से जितने भी कैंडिडेट्स फॉर्म फिल करेंगे उनको यहाँ पे जनरल कैटेगरी से यहाँ पे फॉर्म फिल करना होगा। एक्स सर्विसमैन भी यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हैं जिनके लिए 15% सीट्स यहाँ पे रिजर्व की गई है। सारे बेंचमार्क्स यहाँ पे मेंशन है जो भी गवर्नमेंट गाइडलाइंस के थ्रू यहाँ पे मिलते हैं रिजर्वेशन के लिए एक्स सर्विसमैन को, खिलाड़ियों को और पीडब्ल्यूडी के कैंडिडेट्स के लिए। सभी के यहाँ पे सारे बेंचमार्क्स मेंशन है जिसमें आप देखेंगे कि अंतरराष्ट्रीय खेल के हिसाब से, नेशनल खेल के हिसाब से और स्टेट खेल के हिसाब से यहाँ पे किसी के पास अगर मेडल है या कोई भी सर्टिफिकेट है वो यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो आप अपने स्पोर्ट्स टीम के हिसाब से चेक कीजिएगा। लो विजन, हियरिंग, डेफ, ये सारी कैटेगरीज यहाँ पे मेंशन है सभी पीडब्ल्यूडी के कैंडिडेट्स के लिए। पीडब्ल्यूडी के कैंडिडेट्स को भी यहाँ पे अपना सर्टिफिकेट लगाना होगा, परमानेंट डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जो मेडिकल इंस्टीट्यूट से या किसी मेडिकल हॉस्पिटल से उनके पास हो। एलिजिबिलिटी के लिए जो भी कैंडिडेट यहाँ पे फॉर्म फिल करना चाहते हैं वो राजस्थान के मूल निवासी हो और सफाई कर्मचारी पद के जो भी वैकेंसी आई है उनके लिए कोई भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे नहीं मांगी गई है, ये सीधी भर्ती है सैनिटेशन के लिए। जैसे ही सिलेक्शन हो जाएगा उसके बाद सभी कैंडिडेट्स का यहाँ पे पुलिस वेरिफिकेशन किया जाएगा। लेवल 1 के हिसाब से यहाँ पे वेतन मांग दिया जाएगा। मिनिमम एज यहाँ पे जो मेंशन है वो 18 से 40 वर्ष के जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हैं। जिसकी उम्र 18 से 40 तक की है वो सभी लोग यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हैं। यहाँ पे कोई एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं मांगी गई है। सभी रिजर्व कैटेगरीज के लिए यहाँ पे एज में रिलैक्सेशन भी दिया हुआ है जिसमें जितने भी अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर जितने भी कैंडिडेट्स यहाँ पे फॉर्म फिल करेंगे जो राजस्थान के मूल निवासी उनके लिए यहाँ पे
5 वर्ष का एज रिलैक्सेशन है, ये पुरुष अभ्यर्थियों के लिए है। सामान्य वर्ग की जो महिलाएं हैं जो राजस्थान की मूल निवासी है उनके लिए 5 वर्ष का यहाँ पे है। अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की जो महिला अभ्यर्थी है और राजस्थान की मूल निवासी उनके यहाँ पे 10 साल का एज रिलैक्सेशन मेंशन है। और जितने भी यहाँ पे डाइवोर्स वुमेन है या फिर विधवा वुमेन है उन सभी के लिए एज लिमिट मेंशन नहीं है, तो आप यहाँ पे कभी भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। जितने भी कैंडिडेट्स यहाँ पे एक्स सर्विसमैन हैं, उनके लिए 10 वर्ष उनके लिए 10 साल की यहाँ पे मैक्सिमम एज पे छूट दी गई है। लॉटरी प्रक्रिया के हिसाब से यहाँ पे सिलेक्शन होगा जो कि ऑनलाइन सॉफ्टवेयर माध्यम से किया जाएगा। पेंशन यहाँ पे गवर्नमेंट रूल्स के गाइडलाइंस के हिसाब से दी जाएगी। और यहाँ पे कोई भी कैंडिडेट अगर मैरिड है, शादी हो रखी है, तो उसका विवाह पंजीयन होना चाहिए, मतलब आपका विवाह पंजीकरण होना चाहिए। एक ही आवेदन आप कर सकते हैं, एक ही फॉर्म यहाँ पे फिल कर सकते हैं। और किसी भी कैंडिडेट की अगर एक से ज्यादा वाइफ है वो और वो जीवित है, सेम महिलाओं के लिए भी ऐसा ही है, तो वो यहाँ पे फॉर्म फिल नहीं कर सकते। ईडब्ल्यूएस के जितने भी कैंडिडेट है उनको भी अपना यहाँ पे सर्टिफिकेट लगाना होगा। ऑनलाइन जब आप फॉर्म फिल करेंगे कि वहां पे अपने डॉक्यूमेंट लगाएंगे जिसमें अपने फोटोग्राफ, साइन, ये सारी चीजें लगाएंगे। रंगीन फोटो होना चाहिए और कम से कम सिर्फ 1 महीने पुराना पासपोर्ट साइज आपका फोटो होना चाहिए, ये नहीं कि आप काफी समय पुराना अपना फोटो लगाएंगे यहाँ पर। और जो फोटो का बैकग्राउंड है वो लाइट कलर का होना चाहिए, जो आप फोटो क्लिक करवाएंगे पीछे का बैकग्राउंड सफेद हो या फिर किसी हल्के रंग का हो। 50% आपका उस फोटो पे चेहरा आया होना चाहिए, कोई छाया नहीं होनी चाहिए, फ्लैश नहीं होना चाहिए चश्मे पर, धूप का चश्मा नहीं होना चाहिए। तो ये सारी गाइडलाइंस है। अंगूठे के हस्ताक्षर या फिर सिग्नेचर आपको यहाँ अपलोड करवाने होंगे। जाति प्रमाण पत्र, अन्य पिछड़ा वर्ग जितने भी कास्ट सर्टिफिकेट वो लगाने होंगे यहाँ पे। ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट यहाँ पे अपना सर्टिफिकेट लगाएंगे। तो इस फॉर्म से हमने सारी जानकारी ली कि कौन कौन कैंडिडेट यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हैं। इस वीडियो हमने सारी चीजें देखी, कोई भी डाउट आता तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा। नेक्स्ट फॉर्म के साथ, नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट जॉब के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप मिलती रहे। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।